वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। लोग कांच के घर में रहते हैं, उन्हें पत्थर नहीं देखना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज एमपी में और आपके साथ मैं हूं तन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। दो दिवसीय दौरे पर गुना पहुंचे सिंधिया ने उमरी गांव में 800 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया। इस दौरान उन्होंने उमरी गांव के आदिवासियों को करोड़ों रुपए की सड़कों की सौगात की थी। इस दौरान उन्होंने गुना में शिकारियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए आरक्षक नीरज भार्गव जी के निवास पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। आपको बता दें कि गुना में 3 पुलिसकर्मी की हत्याकांड का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। काले हिरण को मार रहे शिकारियों के बीच पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस घटना में 7 आरोपी शामिल थे। वहीं इसमें पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों का इनकाउंटर कर दिया है, बाकी की तलाश जारी है। वहीं बता दें कि इस घटना पर गुना में हुई 3 पुलिसकर्मी की हत्या पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार अपना बयान दिया है। उन्होंने इस हत्याकांड पर शोक जताया है। दरअसल केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय प्रवास पर गुना आए हैं। इस दौरान उन्होंने गुना पर 3 पुलिसकर्मी की शहादत इनकाउंटर में बोलते हुए कहा कि जिन लोगों के घर कांच के होते हैं, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। दरअसल ये बात उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कही। वहीं दूसरी ओर जजी बस स्टैंड के लोकार्पण समारोह में पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अकबर से तुलना करते हुए कहा कि जिस तरह अकबर के 9 रत्न थे, उसी तरह मोदी के 9 रत्न। राजनीति में नहीं चलना चाहता। जिन लोगों के साथ पूर्ण रूप से वे दिखे गए, एक पूर्व मुख्यमंत्री हूँ, वर्तमान कांग्रेस के विधायक, वो लोग जो लोग कांच के घर में रहते हैं उन्हें पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। और जिन लोगों के इर्द गिर्द वो लोग पाए गए, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, वे पहले जवाब दे जनता कि ऐसे लोगों को संरक्षण कैसे दिया गया। वही पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आरक्षण को लेकर भाजपा ने लड़ाई लड़ी थी। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में सब कुछ आरक्षण को नष्ट कर दिया था, भाजपा ने दोबारा स्थापित किया है। पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मध्य प्रदेश की तमाम ताजा खबर जानने के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज।